आई डोंट नो मैं किधर से आया, ऊपर चढ़ा साला इधर आ गया, मैं भूल गया मैं यार रास्ता किधर है मेरा। अब मेरे को लगता है कि पूरा घूम के उधर से वहाँ से घूम के वापस उस साइड जाना पड़ेगा। वीडियो को ना पूरा देखना, आपको मोदी की पहुँच और बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। तो हमारी छोटी सी जर्नी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। आई डोंट नो व्हाई बट हाफ चढ़ने में गाड़ी को जाना इज नॉट। जब भी तुम बाइक ड्राइव करते हो और मोहल्ले से गुजरते हो तो वहाँ के लोगों में पता नहीं क्या खुजली बचती है, कॉल सीधा पापा के पास घुमा देते हैं। वो इसलिए क्योंकि गाड़ी की स्पीड जो होती है लगभग 30 के पार होती है और मैं नहीं मेरे जैसे बंदे 50 के नीचे कूदा ही नहीं सकते। और कुछ इस कदर देखते हैं ना कि जैसे कुछ कांड ही कर दिया हो मैंने, मतलब टोटल सब लोग घूर के ही देखने लगते हैं। बाय द वे वेलकम बैक टू आवर चैनल। और हम अभी फॉरेस्ट में आए हुए हैं। पहाड़ में चढ़ना आसान बात नहीं है, मतलब समथिंग इतना ऊपर से चढ़ते ही मैं थक गया। ऊपर से जाके देखेंगे कैसा व्यू आता है, बट कुछ भी हो मज़ा बहुत आ रहा है। इसीलिए मैं पापा को बोला कि रिया को मैं पहुँचाने आता हूँ। अरे करने क्या आया हूँ थोड़ी देर में बताता हूँ, चढ़ लेता हूँ ऊपर पहले। थक गया यार, सांस फूल गया। इतना ऊपर आके ऐसा फील हो रहा है ना जैसे मैं तो पता नहीं कि एकदम करीब आ गया हूँ। पता नहीं कैमरा में दिखे कि नहीं दिखे, ये रहा यहाँ पर सर, यहाँ पे एग्जैक्ट यहीं पे, यहाँ पे बहुत नज़दीक। वैसे ज़िंदगी के 3 नियम हैं, किसी वीडियो में स्पेशली बताऊँगा आप लोगों को। मैं यहाँ कोई ज्ञानचंद बनने नहीं आया हूँ, जस्ट व्हाट आई डू आई मीन मैं जो करता हूँ वो आप लोग को दिखाने आ रहा हूँ। वही नॉर्मल वीडियो बनाता हूँ, एक नॉर्मल बॉय की लाइफ की, हो सकते हैं कि NITians की वीडियो। यार भाई तुम्हारे NIT में है ब्रांच, भले लोअर है तो क्या हुआ। पहाड़ का टॉप एरिया में दिल की आवाज़ कुछ इस कदर गूंज रही है, उससे आगे मैं नहीं बता सकता, मेरे को इतना ज़्यादा नहीं आता शायरी। ऐसा फील हो रहा है जैसे माउंटेन पे चढ़ गया, सबसे ऊंचा जगह आई थिंक मेरे एरिया का यह सबसे ऊंचा जगह। और आप लोगों का व्यू दिखाता हूँ, एक बार मैं व्यू दिखाता हूँ आप लोगों को यहाँ का। मैं अभी तक सबसे हाईएस्ट जगह पे हूँ, आई थिंक मेरा घर यहाँ से दिखना चाहिए। बैक कैमरा से दिखाता हूँ, सबसे हाई जगह पे अभी आके मुझे देवी देवताओं का पीछा नहीं छूटा। आई मीन आई लव गॉड देस एंड गॉड्स आल्सो। अरे क्या फंस गया, हनुमान भगवान का झंडा। अरे नहीं यार, तो भाजपा का झंडा है, व्हाट द फक यार। सीना कमल छाप का झंडा साला इतना ऊपर पहाड़ में भी मिल रहा है मेरे को, वाह यार मोदी कमाल का काम किया भाई, मतलब पहाड़ों तक अपनी पहुँच बना के रखा है, वाह। एक यहाँ के एक बहुत बुरी चीज़ मुझे लगी कि पूरे जंगल में आग लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ महुआ मिलता है, महुआ से शराब बनता है, शराब लोग पीते हैं, तो इस जंगल को पूरा आग लगा दी है। देखो यहाँ तक जलने का, राख का जलने का पूरा, मतलब जलने का ही निशान है। निशान क्या है, जलाया गया है जानबूझ कर इसको, ताकि महुआ बीन सकें साले लोग। पूरा जंगल आग लगा दिए, कितना मस्त हरा भरा रहता भी है, मज़ा आ जाता देखने में भी, खाली उधड़ा उधड़ा सा लग रहा है, जैसे एक भी पेड़ पौधा नहीं, लग रहा है कि जंगल टाइप से। क्या बकवास लोग हैं यार। मैंने अभी कम से कम 25 फोटो खींच लिए हैं, जिसमें से 4-5 तो अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा, बट अभी उसमें से एक भी मेरे पसंद लग नहीं है जिसको मैं थंबनेल बना सकूं। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि मैंने अभी सेल्फी स्टिक भी नहीं पकड़ा है अपना,
ना ही ट्राईपोड पकड़ा है, मतलब कुछ पकड़ा है नहीं, केवल मोबाइल उठाया और लेकर आ गया। वैसे तो मेरे पता नहीं था कितना अच्छा व्यू आएगा, लेकिन सारे जंगल जला दिए, बस मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा। बट अब चलते हैं, जो भी फ़ोटो आया उसी से काम चलाएंगे, क्योंकि है जंगल और मेरे घर में काम है, मेरा एग्ज़ाम है कल, अदरवाइज़ अपन थोड़ी देर और रुकते हैं। मैं आया किधर से था, मैं भूल गया, चारों तरफ तो झाड़ी ही झाड़ी दिख रहा है साहब, आई डोंट नो किधर से आया हूँ मैं। मकड़ा का जाली भी है बहुत सारा, घूम फिर केवल वापस मैं वहीं जा रहा हूँ जहाँ से निकल रहा हूँ। भूल भुलैया हो गया है जैसे। मैं नीचे तो आ गया पर मेरा गाड़ी ही कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब मैं गलत डायरेक्शन में उतर गया। आई डोंट नो मैं किधर से आया, ऊपर चढ़ा साले इधर आ गया, मैं भूल गया मैं यार रास्ता किधर है मेरा। अब मेरे को लगता है कि पूरा घूम के उधर से वहाँ से घूम के वापस उस साइड जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा बाइक शायद उस साइड खड़ा है। लापता हो गया अपन छोटे से जंगल में, हद है यार, जल्दी से चलते हैं देखते हैं वेयर आई हम। फाइनली हम अपने बाइक के पास पहुंच गए। कमाल की ट्रेजेडी हुई मेरे साथ, जंगल के एक कोने से चढ़ा दूसरे कोने से उतर रहा हूँ मैं। फाइनली मेरे को समझ में आ गया था कि किस साइड में हूँ, वैसे देखते हैं अब घर पहुँचते डायरेक्ट, क्योंकि लग रहा है हूँ बहुत तेज़।